आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका मोमेंट ऑफ इनिशिया ऑफ अ रिंग। अब रिंग के लिए आपको क्या गिवन है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम है रिंग बनाने का, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले रिंग बनाई है। अब मोमेंट ऑफ इनिशिया रिंग के लिए कौन से एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है, इसके हमारे चार पार्ट बनेंगे। और फर्स्ट पार्ट में ये आपकी रिंग है, और फर्स्ट पार्ट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपको मोमेंट ऑफ इनिशिया फाइंड आउट करना है इन शॉर्ट फॉर्म MOI ऑफ अ रिंग, दैट इज जो भी मोमेंट ऑफ इनिशिया अबाउट एन एक्सिस लिखना है हमें यहाँ पर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजन, ओरिजिन में से पास कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, या फिर टू परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब है जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके परपेंडिकुलर ही है, ये हमें अंडरस्टूड है। अब पेपर के अंदर हमें कुछ भी नहीं बताया जाएगा इस चीज़ के अलावा कि आपको मोमेंट ऑफ इनिशिया रिंग का फाइंड आउट करना है। अब रिंग के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता है। अब यहाँ पर जो O है वो आपका ओरिजन है, और ओरिजन से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो आपकी फिक्स होती है R। चाहे आप A पॉइंट की बात करो चाहे B पॉइंट की बात करो, डिस्टेंस क्या है आपकी ओरिजन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोला जाता है, तो ये आपकी R है। अब एक्सिस यहाँ पर कौन कौन सी बन सकती हैं, अबाउट ए डायमीटर अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये आपकी सपोज की X और X डैश है, और ये सपोज कि वाई और वाई डैश है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, जब भी हमने रोड का या लेमिना का फाइंड आउट किया था वहाँ पे जो भी सिचुएशन थी वो इन अ स्ट्रेट लाइन थी। अब यहाँ पर वही चीज़ किस में दी गई है, हमें सर्कल में दी गई है। अब आपको क्या करना है, जो कंप्लीट रिंग है उसका मास आपको गिवन है, और वो मास आपका एम है, रेडियस आपकी आर गिवन है। अब ओ जेड के अबाउट फाइंड आउट करना चाहते हैं, और परपेंडिकुलर है, सपोज कि ये आपका प्लेन है, एक एक्सिस यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं ओ जेड। ये जो ओ जेड है ना, ये भी लाइक है वाई वाई डैश ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए हमने इसको यहाँ से दिखाया है। अब यहाँ पर भी क्या होता है, जब भी आप रिंग की बात करते हैं तो वो कैसे फॉर्म होती है, आपको सपोज एक वायर दी गई है, वायर को अगर आप बेंड करेंगे तो वो क्या बनेगी, आपकी रिंग ही बनेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर इसे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, छोटा सा एलिमेंट काटना होता है। अब वो छोटा सा एलिमेंट हम लाइक दिस नहीं काटेंगे कि इसके अंदर से ही काट लिया। अब यहाँ पर अंदर से काटेंगे कैसे जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनिशिया फाइंड आउट करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो यहाँ पर जब भी हमें लेंथ एलिमेंट काटना है तो उसके लिए आपको यहाँ से काटना पड़ेगा डी एल, सपोज ये डी एल है। अब यहाँ पर ये डी एल डी एल डी एल, इन डी एल को जब मिलाएंगे हम, मतलब समीशन ओवर डी एल करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे, तो वो आपको क्या देगा, कंप्लीट 2 पाई आर, मतलब कंप्लीट सर्कमफ्रेंस देगा वो आपको उसकी। अब यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट काटना है हमें मोमेंट ऑफ इनिशिया फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पर जो भी मोमेंट ऑफ इनिशिया, सपोज आपको किसका फाइंड आउट करना है, डी आई फॉर अ स्मॉल एलिमेंट, वो आपका किसके बराबर होता है, डी एम इन टू आर स्केयर। यहाँ पर जो रेडियस है वो क्या है आपकी, आर है। अब इसके बाद क्या होता है, हमारा जो टारगेट है ना वो अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करने का है, डी एम। या तो अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो एग्जाम में हमें पता है ऑलरेडी कि ये निकालना है, लेकिन बुक में हमें कैसे दिया होता है, वो वैल्यू बाद में गिवन होती है जिसमें पुट करना है, हम पहले लिख लेते हैं उसको, तो वहां से हमें ये अंडरस्टूड है कि वैल्यू आपको किसकी चाहिए है, डीएम की। तो डीएम की वैल्यू कैसे निकलेगी, डीएम का मतलब आपका यहां पर लिख लेते हैं स्मॉल एलिमेंट जो कि आपने एक रिंग में से कट किया है। अब पूरी की पूरी 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस है आपकी, तो वो टोटल मास कितना रख रही है अपने पास, एम, यानी कि जो 2 पाई आर है कंप्लीट उसके ऊपर मास कितना है, टोटल एम है। अब 1 यूनिट के ऊपर हमें चाहिए, मतलब एक जस्ट पॉइंट के ऊपर अगर बात करें हम, तो वो वहां पर कितना मास है इस टोटल मास का, 2 पाई आर। तो यहां पर एम मतलब 2 पाई आर का मास अगर एम है, तो 1 यूनिट का मास कितना होगा, एम बाय 2 पाई आर होगा। लेकिन हमें मास किसका चाहिए है, डी एल का।
तो DL के मास के लिए हम क्या करेंगे, ये मास हमारे पास 1 यूनिट का अगर है तो DL का मास होगा आपके पास m by 2 pi r मल्टीप्लाई DL, ये है आपके पास। अब यहां से क्या है, ये जो वैल्यू मिली है ना आपको, ये मास ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट है और वो जो स्मॉल एलिमेंट है वो आपका DL है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी ये वैल्यू आपकी DM की निकली है। अब हम क्या करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, जो ये कंप्लीट वैल्यू है इसको मैंने अलग से लिखा है, निकाल के यहाँ पे लिख लेते हैं। ये वैल्यू को मैंने बोला है कि ये रो है, रो वैल्यू आपकी है m बाय 2 पाई r, यहाँ पर भी एज इट इज रख सकते हैं, लेकिन फॉर कैलकुलेशन के लिए एक बार के लिए हमने मान लिया कि ये वैल्यू आपकी कॉन्स्टेंट है और उसको हमने रो बोला है, बिकॉज 2 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ द रिंग चेंज नहीं हो सकता है, रेडियस भी आपकी फिक्स रहेगी, तो ये वैल्यू आप बाहर निकालनी है अल्टीमेटली आपको इंटीग्रेशन से। तो इसके बाद क्या है, हमारे पास ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, तो जब पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा हमारे पास कि DI आपको निकालना है, DM की वैल्यू आपको गिवन है m बाय 2 पाई r। इसके बाद यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका r स्क्वायर भी है और इसकी जगह पे आप रो ही पुट कीजिए, रो r स्क्वायर। अब यहाँ पर रो चेंज नहीं हो सकता, r चेंज नहीं हो सकता, यहाँ पर बचा क्या हुआ है DL, तो इंटीग्रेशन भी किसका होगा, हमारा DL का। अब यहाँ पर भी क्या आएगा आपका, इंटीग्रेशन। और ध्यान दें ये जो मोमेंट ऑफ इनिशिया है हम कौन से एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब DL का मतलब क्या है, DL का मतलब है जब हम छोटे छोटे एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कंप्लीट हमें क्या दे रहा है, वो 2 पाई आर। तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनिशिया है कंप्लीट रिंग का वो आपका बराबर है रो आर स्केयर मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपका है 2 पाई आर। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये हमारे पास लास्ट का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन लास्ट का रिजल्ट हमें किसी भी तरीके से अपने माइंड में ये फिक्स रखना है कि लास्ट का रिजल्ट हमारा एम आर स्केयर की फॉर्म में ही आना चाहिए, जैसे रोड के लिए आया था आपका एम एल स्केयर बाय 12। इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो फॉर्म है वो हमें एम आर स्केयर की फॉर्म में लिखनी है। तो यहाँ से रो की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, m डिवाइडेड बाय 2 पाई r, और यहाँ पर भी हमारे पास है 2 पाई r और r स्केयर, ये वाला r स्केयर, तो 2 पाई r से कंप्लीट 2 पाई r कैंसिल हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका किसके बराबर आएगा, m r स्केयर के बराबर। ये ना सिर्फ और सिर्फ एक रिंग ही ऐसी है जो नॉर्मल हम जब डेफिनेशन जब पढ़ते हैं तो डेफिनेशन में यही आता है एम आर स्क्वायर, सिंपल। अब वो रिंग है, स्फेयर है, रोड है, वो वाला फैक्टर आपका आगे जो फैक्टर आता है वो उसको डिफरेंट बना देता है, यहाँ पर आई आपका एम आर स्क्वायर के बराबर आ गया। अब ये जो है वो मोमेंट ऑफ इनिशिया किसके अबाउट था, जो एक्सिस जो भी ओरिजिन में से पास हो रही थी एक्सिस उसके अबाउट। अब नेक्स्ट हमारा है, ये अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि ये जो ओ जेड बनाया है मैंने, ये मोमेंट ऑफ इनिशिया आपका ओ जेड के अबाउट था। अब नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन अलोंग ए एक्स एक्सिस और अलोंग ए वाई एंड वाई डैश, लिखेंगे कैसे इसको, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट रब कर रही हूँ मैं, इसके बाद का पॉइंट सेकेंड डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और सेकेंड लिखेंगे हम अबाउट एन डायमीटर। अब यहाँ पर अबाउट एन डायमीटर का मतलब क्या है, यहाँ पर तो डायमीटर हमारे दो हैं लेकिन हमें सिर्फ मोमेंट ऑफ इनिशिया सिर्फ ओ जेड के अबाउट पता है, तो सेकेंड पार्ट के अंदर अबाउट एन ए डायमीटर, तो डायमीटर के अबाउट आपको क्या करना है कि जो मोमेंट ऑफ इनिशिया आपको ओ जेड के लिए पता है इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनिशिया अलोंग ए एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनिशिया अलोंग ए वाई एंड वाई डैश। अब ध्यान से समझें, ये एक्स और एक्स डैश क्या है आपका, ये यहाँ तक ही है वैल्यू, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स और एक्स डैश किसके बराबर है, वाई और वाई डैश के बराबर ही है, और अल्टीमेटली ये आपका क्या है, डायमीटर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू आई डी। जब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू के साथ पुट कर सकते हैं,
सपोज कि ये मैंने बोल दिया कि ये 2IXX- है और XX- को मैंने क्या बोला है, I D बोला है, दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, I 2ID लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म बची हैं, दो टर्म में से भी मोमेंट ऑफ इनिशिया अलोंग ए OZ हमें पता है, I D के अबाउट हमें निकालना है। तो सिंपल है, यहाँ पर I D की वैल्यू क्या आएगी आपकी, मोमेंट ऑफ इनिशिया अबाउट OZ डिवाइडेड बाय में 2। अब OZ के अबाउट ऑलरेडी जानते हैं वो कितना है हमारा, एम आर स्क्वायर बाय 2 है। तो ये आपका लास्ट का रिजल्ट है। अब इसके बाद आपको क्या बोला जा रहा है थर्ड पॉइंट में, कि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द टेंजेंट टू द प्लेन ऑफ ए रिंग, यानी कि तो सी पॉइंट के अंदर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये जो टर्म है, ये जो नीचे लिखी हुई थी, ये आपको ध्यान होनी चाहिए, ये स्टार्टिंग में हमें दिया गया था। सी पॉइंट में आपसे पूछ रहा है वो कि अबाउट एन एक्सिस या फिर अबाउट एन टेंजेंट ड्रा टू द प्लेन ऑफ ए रिंग। अब इसके अंदर क्या है, अबाउट एन टेंजेंट का मतलब है आपके पास, आपको यहाँ पर एक एक्सिस गिवन है जो कि ये जो रिंग है इसके टेंजेंटली है, मतलब टेंजेंट ड्रा कर दिया हमने रिंग के ऊपर। अब वो हमसे इसके अबाउट पूछ रहा है, इसको मैंने नाम दे, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, सपोज कि मैंने इसको नाम दिया है ए और बी, और ये जो थी वो आपकी वाई और वाई डैश थी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, वो पूछ रहा है हमसे ए बी के अबाउट। अब y और y डैश के अबाउट ऑलरेडी हमें पता है, तो एम आर स्क्वायर प्लस, यहाँ से एम आर स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या है अबाउट, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये लिखो कि अबाउट ए बी के अबाउट कब निकाल सकते हो आप, जब आपको y और y डैश के अबाउट पता है, और y और y डैश क्या है, अबाउट डायमीटर है, और डायमीटर सेकंड पार्ट में किया था हमने, तो ये आपका अबाउट डायमीटर, यानी कि इसको मैं y और y डैश लिख रही हूँ, प्लस यहाँ से लेकर निकालना आपको इस एक्सिस के अबाउट है, लेकिन इस एक्सिस से लेकर ये एक्सिस कितनी दूर है आपकी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हमें पता है, वो होता है आपका एम आर स्क्वायर। अब हमें अबाउट डायमीटर पता होना चाहिए जो कि सेकंड पार्ट में पता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, हाफ प्लस 1 आपको 3/2 देता है, तो ये आपका रिजल्ट है। इसके बाद आपका डी पार्ट बचता है, जिसके अंदर डी पार्ट में, डी पार्ट के अंदर वो आपसे क्या पूछ रहा है, इसके लिए अलग से डायग्राम बनाएंगे हम, वो आपसे पूछ रहा है कि जो भी प्लेन आपने ड्रा किया है, ये हमने जो भी टेंजेंट ड्रा किया था, इसके जो इसके अगर परपेंडिकुलर है तो उसके अबाउट, अब आपसे डी पार्ट में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए ए बी के अबाउट हमें, या फिर इसके लिए हम नॉर्मल क्या करेंगे, रिंग के लिए हमें पता है कंप्लीट रिंग के लिए, तो वो लिखेंगे हम कंप्लीट रिंग के लिए एम आर स्क्वायर प्लस। अब कंप्लीट रिंग के लिए हम लिख चुके हैं, अब ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है, जो कि ये थी, वो आपकी क्या है एम आर स्क्वायर, तो 2, ये दो वैल्यू होगी हमारे पास, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2mr2। तो ये आपके मोमेंट ऑफ इनिशिया थे रिंग के, डिपेंड करता है कि आपसे कौन सा पॉइंट पूछ रहा है वो, अगर आपको फर्स्ट आता है तो सारे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ये आपका रिंग का मोमेंट ऑफ इनिशिया था। एग्ज़ाम, अगर हम ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम की बात करें तो आपका कंप्लीट टॉपिक इसी तरीके से आएगा, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा मोमेंट ऑफ इनिशिया ऑफ ए रिंग निकाल के बताओ क्या आएगा, और आपको चारों पार्ट्स निकालने हैं। लेकिन अगर हम MCQ क्वेश्चन की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमसे सिर्फ रिजल्ट पूछे जाते हैं, लेकिन रिजल्ट को थोड़ा माइंड में रखना, हम तभी माइंड में रख सकते हैं जब हमें एक्सप्रेशन आता होगा कि वो आया कैसे था। तो यहाँ तक हम कर रहे हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनिशिया किसी अलग सिस्टम को लेकर, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।